नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, CVET PG 2024 का एडमिशन का जो प्रोसेस है अलग अलग विश्वविद्यालयों के द्वारा शुरू किया जा चुका है और अभी तक जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है ओपन भी कर दिए हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपने यहाँ के पहले राउंड की मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया है और मेरिट लिस्ट की जो कट ऑफ वगैरह है वह कितनी जा रही है, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। साथ ही टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ क्या हो सकती है इन लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ लिस्ट को देखते हुए, तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि CVET PG की पल पल की जो अपडेट है हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि बिहार से संचालित होने वाले जो दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं इन्होंने अपने पहले राउंड की मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया है। पहले नंबर पे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी और साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, इन दोनों विश्वविद्यालयों ने अपने PG के पहले राउंड की जो कट ऑफ लिस्ट है वह जारी कर दिया है। बिहार शुरू से देश के किसी भी काम में आगे रहा है और इस बार यह जो है CVET PG 2024 के पहले राउंड की कट ऑफ को जारी करने में भी आगे रहा है। ठीक है, तो क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, अगर आप लोग इतिहास के विद्यार्थी रहे होंगे तो आप लोगों को पता है कि बिहार ने इस देश को, इस विश्व को क्या दिया है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ सबसे पहले हम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले राउंड की कट ऑफ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरिट लिस्ट फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि पहले राउंड की काउंसलिंग का जो मेरिट लिस्ट है महात्मा गांधी ने जारी कर दिया है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया है। थोड़ा सा हम यहाँ पे कट ऑफ वगैरह देखेंगे कि कितने मार्क्स तक जो है पहले राउंड में बच्चों को बुलाया गया है एडमिशन के लिए। तो हम MBA का यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड करके पहले दिखा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि MBA के जो पहले राउंड की कट ऑफ लिस्ट है इनके यहाँ, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, EWS जनरल में 207 नंबर तक आया हुआ है और नीचे में 199 नंबर तक है। ठीक है, यानी कि MBA की कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए भी। तो अब इसको देखते हुए कोई कहेगा कि BHU MBA में आपको 150 नंबर, 140 नंबर पर एडमिशन मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा MLIV वगैरह की बात कर लें, तो MLIV वगैरह का आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जनरल की जो पहले राउंड की कट ऑफ आई है वह 47 नंबर तक आई हुई है। कितना भाई? 47 नंबर तक आई हुई है। ठीक है, और इसी तरह से EWS पे जो है 11 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, EWS कैटेगरी से 11 नंबर पे एडमिशन हो रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा बात कर लें DU, JNU, BHU वगैरह के बारे में कि इनकी कट ऑफ जो है इनके मुकाबले क्या रह सकती है, तो देखिए भाई इनके मुकाबले जो है इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ में लगभग 100 मार्क्स का जो फ़र्क है वह होने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको 70 नंबर पे एडमिशन मिल रहा है तो हो सकता है कि DU में आपको 170 नंबर पे एडमिशन मिले। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटीज़ है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत ही लो मार्क्स की यूनिवर्सिटी है और बहुत कम बच्चे जो है यहाँ पर अप्लाई भी किए थे। इसी तरह से आप इसके बाकी कोर्स को देखेंगे, जूलॉजी वगैरह को देखेंगे, ठीक है, तो जो लोग भी कह रहे हैं कि बाकी CUSB या फिर MGCUB की कट ऑफ कम जा रही है तो DU, JNU, BHU की भी कट ऑफ कम जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा, लास्ट तक एडमिशन के जितने भी राउंड होंगे वो DU के हों, JNU के हों, BHU के हों या फिर हैदराबाद BBAU के हों, तो एडमिशन के लास्ट राउंड तक जो है ना आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे कि जूलॉजी का आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे 92 मार्क्स तक जो है पहले राउंड में आया है और EWS कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ तो 71 मार्क्स तक। इसी तरह से OBC SC ST का भी कट ऑफ वगैरह जो है आप लोग देख सकते हैं। तो काफ़ी कम मार्क्स पे जो है यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। ऑलरेडी हम पहले भी आप लोगों से कहे थे कि अगर आपके कम मार्क्स हैं, आपको लगता है कि DU में मेरा 50-50 का चांस है, BHU में 50-50 का चांस है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में जो है ज़रूर से अपना रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद हम CUSB की बात करते हैं थोड़ा सा। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि एक उभरते हुए विश्वविद्यालयों में काफ़ी
अच्छा स्थान प्राप्त कर रहा है, काफ़ी बेहतर कर रहा है अपने क्षेत्र में, अपने विस्तार को लेकर काफ़ी अग्रसर है यह विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो इनके पहले राउंड की कट ऑफ के बारे में अगर हम लोग बात कर लिया जाए तो इन्होंने अपने पहले राउंड की कट ऑफ लिस्ट जो है जारी कर दिया था, और अब जो है इनके यहाँ जो है दूसरे राउंड की कट ऑफ वगैरह जारी होने वाली है, ठीक है ना। तो CUSB जो है सेकेंड राउंड की कट ऑफ जारी करने वाला है, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा पहले राउंड की कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं। आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनकी भी कट ऑफ काफ़ी कम जा रही है, तो MGCUB से थो बेहतर ही है यह विश्वविद्यालय जो है, MGCUB से बेहतर ही है, ठीक है। तो MCOM वगैरह में 60 मार्क्स तक जो है एडमिशन हो रहा है, जबकि आप साइकोलॉजी का देख पा रहे होंगे कि इतने लो मार्क्स यूनिवर्सिटीज़ में भी 206 नंबर तक जो है कट ऑफ आ रहा है पहले राउंड में। तो आप DU JNU BHU वगैरह की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो है ना 240 प्लस अगर आपका है तब आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए बिल्कुल सेफ हैं, टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। बाकी कम मार्क्स में भी आपको बाकी जगहों पर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो यह जो है दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहले राउंड की कट ऑफ लिस्ट है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम हिमाचल प्रदेश की बात कर लें तो आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है अपना पहले राउंड का कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया था। हम वीडियो बनाकर भी आप लोगों को जानकारी दे दिए थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक नोटिस जारी किया। नोटिस क्या था थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए जो प्रोविजनल फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट दिनांक 10/5/2024 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था, उसे समर्थ NTA द्वारा भेजे प्राप्त डाटा में त्रुटियां तकनीकी कारणों से अब वह दिनांक 14/5/2024 को जारी किया जाएगा। यानी कि इनके द्वारा जो पहले राउंड की मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसको पोर्टल से हटा दिया गया, अब जो वह 14 तारीख को जारी किया जाएगा। तो अभी तक इन्हीं तीन विश्वविद्यालयों ने अपने एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया है, और इसके साथ साथ अन्य कोई भी विश्वविद्यालय अपने एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। और हाँ, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और ये लो मार्क सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कट ऑफ में ज़मीन आसमान का अंतर रहने वाला है, तो इसलिए आपको अफवाहों में नहीं आना है। लो मार्क्स में भी आप चाहें तो एक जगह पर अपना सीट कंफर्म करा के जो है ना टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वेट कर सकते हैं। वरना अगर आपके 60 नंबर हैं MCOM में और आपको CUSB में मिल गया है, कोई आपसे कह दिया कि CUSB में 60 नंबर पे मिल रहा है तो DU में भी आखिरी राउंड तक 60 नंबर पे मिल जाएगा, और आप CUSB में पेमेंट नहीं कराए और DU में भी नहीं हुआ एडमिशन, तो आपको एक साल घर बैठना भी पड़ सकता है। तो इसलिए अफवाहों से बचिए, खुद के समझदारी को ध्यान में रखते हुए अपने समझदारी के साथ जो है आप अपना एडमिशन कराइए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको एक बेहतर और शानदार जो है सुझाव या फिर सलाह देने की। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।